भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना प्रवक्ता गौरव वल्लभ सूरतना मेहमान बन्या था, ज्यां तेओए मोदी सरकार पर आक्षेपो कर्या था अने भ्रष्टाचार अपरंपार छे, साथे नाना उद्योग धंधादारी पर मार अने बेरोजगारी भरमन आक्षेपो करवानी साथे इंटरनेशनल कंपनीओथी रूपिया लई दुकानदारोने धंधा वगरना करवानी सोपारी मोदी सरकार लीधी होवाना आक्षेपो पण गौरव वल्लभे कर्या हता। सूरत पधारेला कांग्रेसना राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभे पत्रकारोने संबोधता जणाव्युं हतुं के छेल्ला एक वर्षमां 14 करोड़ रोजगार गया, दुकानदारो नाना उद्योगकारो एमएसएमईना धंधा बंद थया अने हवे सरकारी कंपनीओ वेचवा काढी छे, जे तमाम एक ज इशारो करे छे के मोदी सरकारे देशने वेचवा काढ्युं छे। 70 वर्षमां ऊभी करेली देशनी लाखों करोड़ोनी संपत्ति मोदी सरकारे वेची रही छे अने मोदी सरकारे देशना भविष्यने वेचवानी सोपारी लीधी होवानो पण आक्षेप गौरव वल्लभे कर्यो हतो। विदेशी ई कॉमर्स कंपनीए तेमां पण एमेजॉन द्वारा 2 वर्षमां भारतमां कानूनी फी पेटे 8,546 करोड़ चुकाव्या छे। देशना कानून मंत्रालयना वार्षिक बजेट 1,100 करोड़ छे अने एमेजॉन कंपनीनी कानूनी 2 वर्षनी कानूनी बजेट फी 8,546 करोड़ छे, जे सीधी लांच लीधी होवानो आक्षेप कर्यो हतो અને આ લાંચ મોદી સરકારમાં કાનૂન તથા નિયમો બદલવા માટે લેવાય હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો। સાંભળો શું કહે છે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ગૌરવ વલ્લભ। દેખીએ પિછલે 1.5 સાલ મે 14 કરોડ રોજગાર દેશ સે ખતમ હુએ, છોટે ઉદ્યોગો કે એમએસએમઈ કે ધંધે ચોપટ હુએ, ઓર ઇસ દોરાન એક ખબર ઓર આઈ कि अमेजन ने 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। हमारा सवाल है कि ये रिश्वत भारत सरकार के किस मंत्री को, किस अधिकारी को दी गई? क्यों सरकार मौन है जब अमेजन अपनी फाइलिंग में कह रही है कि ये रिश्वत दी गई है, तो सरकार इसमें मौन स्वीकृति क्यों दे रही है? हमारा दूसरा सवाल है कि क्या ये रिश्वत छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार, एमएसएमई को ध्वस्त करने के लिए दी गई है? क्या ये सुपारी ली गई है सरकार के द्वारा इस 8,546 करोड़ रुपये लेकर कि हम देश से छोटे और मध्यम उद्योग, मझले उद्योग, छोटे दुकानदारों का धंधा खत्म कर देंगे? हमारा सवाल है कि अमेरिका जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो क्या उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा कि ये रिश्वत किसको दी गई है? अगर उनको अगर ये बताना होता कि, क्योंकि उनको मुझे लगता है शायद पता होगा कि ये किसको मिली है। हम देश से पूछना चाहते हैं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 8,546 करोड़ की रिश्वत किसको दी गई है। हमारा चौथा सवाल है कि क्या इस रिश्वत कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, लोगों का रोजगार गया है, लोगों के उद्योग धंधे चौपट हुए हैं, छोटे और मध्यम मझले उद्योगों की दुकानें बंद हुई है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों है? उनकी उनकी आंख के नीचे इतना बड़ा रिश्वत कांड हो रहा है, वो अपनी मौन स्वीकृति क्यों दे रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं कि क्या एक विदेशी कंपनी 8,546 करोड़ की रिश्वत भारत की सरकार को देती है, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? देश इन सवालों का जवाब चाहता है, इसी के लिए आज की प्रेस वार्ता हमने की। सूरत में पधारेला कांग्रेसना राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभे मळवा माटे मोटी संख्या में कांग्रेसी नेताओं पण तेमने मळवा पहोंच्या था। सूरत में गौरव वल्लभे आगामी चूंटणी ध्यान लईने पण नेताओं साथे वातचीत करी हती। अजर कुर्सी साथे प्रकाश वाड़ा।